अलगाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी ला अकेडमी शादरा लाहौर। चंद दिनों पहले जो इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो जॉब्स आई थी, उसका जो हमारे स्टूडेंट्स जिनके पास एलएलबी की डिग्री है उन्होंने अप्लाई किया था, तो उसकी जो डेट ऑफ टेस्ट है या पेपर की तारीख जो है वो अनाउंस हो चुकी है। और आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे प्लानर से चेक कर सकते हैं आप। प्लानर में प्लानर के मुताबिक जो है वो 26 नवंबर 2022 को, यानी 26 नवंबर 2022 को आपका पेपर है। तो ये बहुत कम दिन जो है वो दिए गए हैं। दूसरी बात ये है कि अभी तक उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो तो शेड्यूल कर दिया है, डेट जो है वो टेस्ट की वो तो दे दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो सिलेबस जो है वो अनाउंस नहीं किया, सिलेबस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया, यानी जो लास्ट रिलेटेड 80% है वो उन्होंने जो है वो अभी तक जो है वो उसकी अनाउंसमेंट नहीं की, जो कि बीपीएससी की ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ। जहां आपने जनरल नॉलेज का बता दिया कि ये चीजें हैं, वहां आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर लॉ रिलेटिंग सब्जेक्ट्स भी बता दिया करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बर वक्त जो है वो अपनी तैयारी कर सके। बहरहाल जो कुछ भी है, अब 26 नवंबर 2022 को आपका पेपर है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले भी हम इस बारे में बता चुके हैं कि कुछ एक्ट्स जो हैं वो बड़े जरूरी हैं, उनको आपने हर हाल में देखना है। तो चूंकि अभी तक तो सिलेबस नहीं है, तो जो हमने बता दिया है उसके ऊपर फोकस कर लें, इंशाल्लाह मजीद वही सिलेबस होगा जिसमें मैंने बताया था द स्टैम्प एक्ट 1899, एक ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया था दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। फिर द कोर्ट फीस एक्ट 1870 का कोर्ट फीस एक्ट है। फिर है जी मोटर व्हीकल, प्रोवेंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 का, ये बहुत अहम है। ये जो एक और है दी पंजाब नॉन जुडिशियल स्टैम्प रिफंड रिन्यूअल एंड डिस्पोजल रूल्स 1954 के हैं। और फिर है दी पंजाब ई स्टैम्प रूल्स 2016 के हैं। ये जो डियर स्टूडेंट्स हैं बहुत अहम हैं, ये इस जॉब से रिलेटेड हैं, इनसे आप इनमें से आपसे पूछा जाना है। तो इन एक्ट की जो है वो अच्छे अंदाज से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। अब जो है वो टाइम वेस्ट नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो आप सारी मसरूफियात को छोड़ के अब अपनी जो है वो टेस्ट की के ऊपर जो है वो फोकस करें। फिर इसके बाद था जी एक और लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, इसको भी देख लीजिएगा। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1957 का, इसको भी देख लीजिए। लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना 1967 का, उसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमने देखनी है। तो ये जो एक्ट बता दिए हैं इनको फिर फॉर आप प्रिपेयर करें। एक शॉर्ट टर्म के अंदर जो तैयारी हो सकती है हम अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, उसमें हम अपने ऑनलाइन के लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर करवा रहे हैं, ताकि फिल फॉर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर भेजे जाएं। तो वक्त जाया ना करें, अपने अब जो मामलात हैं कचहरियों के वो छोड़ें और अपनी तैयारी की तरफ जो है वो तवज्जो दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो जनरल नॉलेज का है उसके बारे में आपको मैं बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं एडवांस वालों के, वो आप परचेज कर लें और उनके अंदर ही फिलहाल तो यही है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा डेली अखबार पढ़ें आप, ताकि आपको जो है वो करंट जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी आपको आगाही हो सके। तो फिर फॉर जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें, आपकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। हमारे पास अगर आप आना चाहते हैं ऑनलाइन में या फिजिकल में, तो फिल फॉर रब्ता कर लें, हम बहुत शॉर्ट वक्त के अंदर जो कुछ भी आपके लिए पॉसिबल होगा वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अपनी तैयारी करें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह अज़ीज़ जो आपका मुकद्दर होगा आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।